नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 190वां एपिसोड। आज है 2 फरवरी 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 के हवाले से, आईपीएल की 8 टीमें, आईपीएल की नीलामी के हवाले से और इंडिया इंग्लैंड सीरीज के भी हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर है। दोस्तों सारी खबरें डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ के नीचे से लाइक के बटन को अभी कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज दिनभर की पहली बड़ी खबर की, तो ये खबर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हवाले से आ रही है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक नया एनालिस्ट मिल गया है जो इस समय इंग्लिश क्रिकेट टीम, इंग्लैंड की जो टीम है उनके एनालिस्ट है नेथन लियमैन, और इन्हें ही केकेआर की टीम ने अपना एनालिस्ट बना लिया। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि एनालिस्ट का बहुत अहम किरदार रहता है आईपीएल में, क्योंकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वो एनालाइज करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर और टेक्नोलॉजी की मदद से बताता है कि भाई कहां पर गलती हो रही है खिलाड़ी से। तो साफ है केकेआर को जरूरी है और साफ है ये नए जुड़ेंगे। वेन मॉर्गन इस समय कप्तान करेंटली बने हुए हैं और उनकी रिकमेंडेशन पर इन्हें जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपके पास मौका है टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का। हमारा टेलीग्राम चैनल तबाही ला रहा है क्योंकि इस समय क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट, सबसे पहले आईपीएल की जो खबरें है ना वो वहीं पर आ रही है। टेलीग्राम पर जाइए, रियल एमसीपी को सर्च कीजिए, लगभग 40,000 परिवार का हिस्सा बन गए लोग, आप भी फटाफट बन जाइए, फटाफट सर्च कीजिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा क्योंकि मजा आने वाला है भाई टेलीग्राम पर आईपीएल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये निकल कर आ रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हवाले से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म हो चुकी है, आपको पता होगा तमिलनाडु की टीम जीत भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सीएसके के लिए खुशखबरी निकल कर आई है क्योंकि एन जगदीशन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में है उन्होंने झंडे गाड़ दिए भाई इस लीग में, क्योंकि एन जगदीशन हाईएस्ट रन स्कोरर इस पूरे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के रहे हैं। दिनेश कार्तिक जो कि केकेआर में, उनका प्रदर्शन भी बहुत तगड़ा रहा है। डेफिनेटली दोस्तों मुश्ताक अली ट्रॉफी देखने के बाद स्पेशली चेन्नई की टीम, स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये कायरन पोलार्ड के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। दोस्तों कायरन पोलार्ड आपको पता है, हमें भी पता है कि इस समय T10 लीग खेल रहा है, लेकिन भाई बहुत सारे लोगों ने इनकी भद पिटवा दी। भद पिटवाने का ये मतलब होता है कि भाई वो अच्छे वाले वहां पर खेल रहे थे, यूट्यूब पर कई लोग कहने लगे कि कार एक्सीडेंट में उनकी जो है मौत हो चुकी है, एक फेक वीडियोस कई सारे वायरल हो रहे हैं। आपसे मेरी सलाह यही रहेगी कि इस तरह के फेक चैनल्स और फेक वीडियोस से दूर रहिए, क्योंकि कंफर्मेशन पोलार्ड के मैनेजर्स ने भी दे दिया है कि पोलार्ड सुरक्षित है और भाई लाइव देखो ना T10 लीग में मस्ती कर रहे हैं। तो एक ही रिकमेंडेशन, एक ही डिस्क्लेमर की फेक न्यूज से दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, ये आकाश चोपड़ा के हवाले से आ रही है। आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2021 की नीलामी के टॉप 5 एक्सपेंसिव प्लेयर्स के नाम जो है वो प्रिडिक्ट किए हैं। नाम सुन लीजिए उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल, शाकिब अल हसन, मुजीबुर रहमान और डेविड मलान, ये 5 विदेशी खिलाड़ी नीलामी पर राज कर सकते हैं, ये मानना है आकाश चोपड़ा का। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि एक्सपेंसिव प्लेयर कोई विदेशी होगा, मेरे हिसाब से एक बड़ा भारतीय खिलाड़ी एक एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है, तो इस लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम भी जुड़ना चाहिए। डेफिनेटली स्टार्क तो रहेंगे और वो सबसे महंगे बिकने वाले हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई भारतीय प्लेयर्स भी रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्लेयर्स भी बहुत महंगी बिड लेने वाले हैं, इंडियन प्लेयर्स की मांग रहती है नीलामी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से आ रही है। सीएसके की टीम नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट कर सकती है। जी हां दोस्तों, जो चेन्नई के सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट है वो यही है कि सीएसके शेन वॉटसन का एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। उस रिप्लेसमेंट को ढूंढने में चेन्नई की रडार पर कई सारे प्लेयर्स है, जिसमें डेविड मलान जैसे खिलाड़ी भी मौजूद है, एलेक्स हिल्स भी मौजूद है और ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद है। वॉटसन संन्यास ले चुके हैं और वो अभी हमें इस साल के आईपीएल में नहीं दिखने वाले हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को शेन वॉटसन की रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है, क्योंकि पिछले कई सीजन्स में उनकी जीत में वॉटसन का बहुत अहम किरदार रहा है और साफ तौर पर उसका रिप्लेसमेंट मैक्सवेल बन भी सकते हैं, हो सकता है बड़ी बिडिंग हो,
टारगेट है, रडार पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। आरसीबी के तीन टारगेट प्लेयर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। ये तीनों बड़े टारगेट प्लेयर शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खिलाड़ी है। आरसीबी की टीम ने डिसाइड किया है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, सी शकारिया और कैंसा, ये जो तीनों खिलाड़ी है जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, इन तीनों में से किसी न किसी एक खिलाड़ी को लेने की कोशिश आरसीबी करेगी, जिसमें विराट कोहली का दम रहेगा कि किसी न किसी एक गेंदबाज को लिया जाए। तो शकारिया और कैंसा इन दोनों में से किसी एक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जा सकते हैं। दोस्तों आरसीबी के पास अच्छा खासा पैसा भी है नीलामी में, तो आरसीबी खर्च करने की ताकत भी रखती है इस साल के ऑक्शन में। साफ है दोस्तों बड़ी बिडिंग शहीद मुश्ताक अली के खिलाड़ियों पर लगाएंगे विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है गौतम गंभीर के हवाले से। अब गौतम गंभीर के जितने भी बयान होते हैं ना, वो सुनने वाले होते हैं, क्योंकि गंभीर के बयानों में कई सारी चीजें हमें पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। और इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर उन्होंने बयान दिया है। गौतम गंभीर ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर बयान देते हुए कहा है, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, आई डोंट सी इंग्लैंड विनिंग एनी टेस्ट इन इंडिया। गौतम गंभीर को नहीं लगता है कि अंग्रेज एक भी मैच इंडिया में जीत पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण स्पिन फ्रेंडली विकेट है। गौतम गंभीर के हिसाब से लंबे समय तक अंग्रेजों ने इतनी घूमती हुई विकेट नहीं देखी होंगी, और कोविड लग गया था तो बहुत ज्यादा अंग्रेज खिलाड़ी भारत भी नहीं आए। मोस्टली जो भारत आए थे, मतलब आईपीएल खेलने आए थे, वो भारत आए नहीं थे, वो यूएई से ही वापस लौट गए थे। इसीलिए गंभीर को ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। ये इंडिया के हवाले से आ रही है भाई, टीम इंडिया की तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर छाती हुई देख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं भारतीय खिलाड़ियों की, जो कि अपने सारे कोविड टेस्ट को ठेंगा दिखाकर, मतलब नेगेटिव प्रूव होकर मैदान में उतर चुके हैं। चेन्नई के मैदान में सारे खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं और प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कई सारे अंग्रेज खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। 5 तारीख से टेस्ट मैच की शुरुआत होगी और हम सभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब मैं, आप भी है तो कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बड़ी खुशखबरी है ये खबर। दरअसल दोस्तों इंडिया इंग्लैंड सीरीज से जुड़ी हुई खबर है। रिपोर्ट ये है कि बीसीसीआई दूसरे टेस्ट मैच में 50% क्राउड को अप्रूव कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई के हवाले से यही रिपोर्ट है कि जो दूसरा टेस्ट मैच होगा चेन्नई में, उसमें 50% क्राउड की एंट्री कर दी जाएगी। सिनेमाघर खोल दिए गए हैं, एसओपीस में बदलाव कर दिया है सरकार ने, मतलब साफ है कि सरकार की तरफ से इजाजत है। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लगातार कह रहा था कि उन्हें क्राउड नहीं चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भाई भारत की इकोनॉमी के लिए, क्रिकेट इकोनॉमी के लिए क्राउड जरूरी है, और इसीलिए क्राउड की एंट्री हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन दिस फ्रंट टू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की आखिरी दसवीं बड़ी खबर की, विराट कोहली के हवाले से आ रही है। दोस्तों ये खबर मैंने टेलीग्राम पर पहले ही दे दी थी, अभी आपको बता देता हूँ कि विराट कोहली को जो डॉटर हुई थी उनका नाम उन्होंने रख दिया है, वमी का नाम उन्होंने रखा है। अब ये जो नाम रखा है इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों ये तो थे दिन भर के 10 बड़े बड़े खबरें, बड़ी बड़ी और बड़े बड़े खबरें जो कि निकल कर आया। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी खबर थी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।